हे hey, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्ली 360 यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लॉगर ट्रैफिक के बारे में। फाइनली जब भी आप ब्लॉग में ब्लॉग अपना क्रिएट करते होंगे तो आर्टिकल भी लिख ले तो सारा ब्लॉग को कस्टमाइजेशन भी पूरा तरीके से कर देते हैं, बट एक ही प्रॉब्लम होता है कि उसमें ट्रैफिक नहीं आता है। और जब तक ट्रैफिक नहीं आएगा तब तक आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि लोग बहुत सी मेहनत से एडसेंस अप्रूवल भी करवा लेते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है और काफ़ी इजी भी है। तो लोग के वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी जल्दी मिलते हैं एडसेंस का अप्रूवल। तो लेकिन जब भी एडसेंस अप्रूवल मिलता है उसके बाद एक टारगेट होता है कि क्यों हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है। और फाइनली हम ब्लॉग को बहुत जगह शेयर भी करते हैं फिर भी नहीं आता। तो मैं एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी वजह से अच्छी खासी ट्रैफिक आपके ब्लॉग में आज आएगी। तो बना रही इस वीडियो में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल वाला बेल वाला आइकन भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। लैपटॉप की स्क्रीन में हम आ चुके हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले ये रहा मेरा ब्लॉग। तो फाइनली मैं इस ब्लॉग को ओपन करके दिखा देता हूँ कि मेरा ब्लॉग कुछ कैसा है। तो मैंने इसे थोड़ा माइक्रो निश के ऊपर इस ब्लॉग को बनाया हुआ है। जैसे ब्लॉग का नाम है लिस्ट वर्ड्स और मैंने इसे सबडोमेन पे क्रिएट किया हुआ है। तो फाइनली आप देख सकते हैं और मेरे यहाँ पे एडसेंस का एड्स भी शो हो रहा है। तो फाइनली अच्छी खासी ब्लॉग मेरा यहाँ पे चल रहा है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं। एक्चुअली मेरा ट्रैफिक ऐसे अच्छा खासा आ जाता है तो मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल में और गूगल में जाने के बाद सिंपली सर्च करना है पिंटरेस्ट। सिंपली आप ऊपर देख सकते हैं इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 45 लाख पर मंथ सर्च है इसका यहाँ पे पिंटरेस्ट इंडिया का। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि इंडिया का in.pinterest.com लिखा हुआ है, तो मतलब इंडिया का ये वेबसाइट है, इंडिया के लिए बनाया गया है। हर एक कंट्री का अलग अलग होता है। तो फाइनली मैंने इस इंडिया का ओपन करना था। सिंपली क्लिक ओपन पे क्लिक करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से आएगा। उसके बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पे नया अकाउंट भी बना सकते हैं या आप यहाँ से फेसबुक या गूगल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा या तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हैं या गूगल से लॉगिन करें, तो आपको जो भी अच्छा लगे उसे कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको थोड़ा इसमें थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, ईमेल डालना, उसके बाद पासवर्ड वगैरह, तो उसमें थोड़ा काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं कहूँगा आप गूगल से साइन इन कर लीजिए। तो अगर इसके बाद साइन इन करने के बाद सिंपली आपको कुछ इस प्रकार से लॉगिन दिख जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और फाइनली कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल जाता है जैसे डैशबोर्ड। तो फाइनली मैं इसे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। आपको मैं बता दूं यहाँ पे जिस प्रकार से कोरा में अलग अलग टाइप के यहाँ पे टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पे भी हर एक प्रकार के टॉपिक्स एंड वीडियोस मिल जाते हैं। और मैं बता दूं कि यहाँ पे जो टॉपिक्स होते हैं आप देख सकते हैं, मैंने इस इमेज पे जब भी कर्सर लेके गया तो आपको यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर इस लिंक पे किसी ने क्लिक किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे ब्लॉगर आपके जो साइट है उस पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कैसे हम अपने ब्लॉग पे इस वेबसाइट की मदद से इजीली ट्रैफिक पा सकते हैं तो बनेंगे इस वीडियो में। तो फाइनली अगर जब ने लॉगिन कर लिया है उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे आपको अपने अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका डैशबोर्ड। तो फाइनली आपको मेरा यहाँ पे देख सकते हैं मेरे कोई फॉलोअर्स है नहीं, फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी ट्रैफिक मेरी गेन हो रही है। तो आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत सारा ऑप्शन, तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप अपना इमेज वगैरह जो भी सेटअप करना है सारा का सारा सेटअप कर लीजिए। उसके बाद हमें प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है। आपको मिलता है यहाँ पे दो ऑप्शन, क्रिएट पिन और क्रिएट बोर्ड। तो क्रिएट पिन का मतलब क्या होता है, एक ग्रुप जैसा होता है, आपको इसमें पिन मैंने लिंक नाम से एक पिन बनाया हुआ है और एक ब्लॉगिंग नाम से पिन बनाया है। ब्लॉगिंग वाला पिन में मैं ब्लॉगिंग रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट डालता हूँ, यहाँ पे पिन वाले में यहाँ पे जो मेरा माइक्रो निश का है उसमें डालता हूँ। तो मैं सिंपली इस प्रकार से क्रिएट पिन करके जब अभी आप क्लिक करेंगे आपके दो ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरा ऑप्शन खुल गया है। उसके बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे, ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन। तो फाइनली आपको यहाँ पे इमेज यूज करना है। आपको एक ऐसा इमेज यहाँ पे इंडेक्स करना होगा, मतलब अपलोड करना होगा जो कि काफी अट्रैक्टिव हो, लोग देख के उस पर क्लिक करे। तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक है गुजराती गर्ल्स व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स। तो फाइनली देख सकते हैं मेरा थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे टाइटल देना है। तो टाइटल में हमें देने के लिए सिंपली हम जाते हैं इस पर क्लिक करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का ब्लॉग या वेबसाइट का भी दे सकते हैं। तो फाइनली हम दे देते हैं यहाँ से, तो जाते हैं हम अपने यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद कॉपी करने के बाद जाते हैं हम अपने पिंटरेस्ट में और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। टाइटल देने के बाद चाहे तो आप यहाँ से थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसके बारे में। तो हम थोड़ा इसे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं और मैं बता दूँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है। आपको क्या करना है, ऐसे कुछ थोड़ा सा एक लाइन कॉपी करना है और कॉपी करके सिंपली हमें इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद इजीली आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ से काम कंप्लीट हो चुका है। और बात होता है लिंक का, तो आप यहाँ देख से ऐड ए डेस्टिनेशन लिंक, मतलब अगर आप लिंक नहीं देंगे तो ऐसी भी आपका इमेज रहेगा। जब भी आप इसमें लिंक प्रोवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पे लिंक ऑप्शन आ जाता है, और जब भी लिंक जिस भी लिंक को आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो आपको उस लिंक पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। फाइनली मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे इस आर्टिकल का मैंने लिंक कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं मैंने पेस्ट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे आता है पिन का ऑप्शन। तो फाइनली मैंने यहाँ पे दो पिन बना के रखे हुए, अगर पिन आपको नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ से बना भी सकते हैं, क्रिएट बोर्ड या क्रिएट पिन कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ पे लिंक वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद सिंपली आप देख सकते हैं कि सेव होने लगा है, और हम थोड़ा वेट कर लेते हैं इसके लिए। और इस प्रकार से आप अच्छी खासी ट्रैफिक यहाँ से गेन कर सकते हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसा करते हैं और उनको काफ़ी अच्छी खासी मिलती भी है। तो फाइनली लिंक सेव हो चुका है और सी इट नाउ पे हम क्लिक करते हैं। एग्जैक्टली जब भी हम सी इट नाउ पे क्लिक करते हैं और देख सकते हैं कि इतना आ चुका है, और उसके बाद हम जाते हैं इस पर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं और सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और कॉपी लिंक जो भी करेगा यहाँ से हो चुका है। सिंपली हम थोड़ा देख लेते हैं नीचे की ओर, और यहाँ पे हम कंप्लीट कर चुके हैं। होम वाले सेक्शन पे जाते हैं, और हम होम वाले सेक्शन पे जाने के बाद थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है, और फिर से हम जाते हैं अपने टेकली 360 वाले में। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आ चुका है, और जब भी यहाँ पे कोई क्लिक करेगा देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा URL दिख रहा है, सिंपली हम इस पर अगर क्लिक कर दें तो मेरा यहाँ पे वो जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया था उस लिंक पे यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो फाइनली देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे लिंक रीडायरेक्ट हो चुका है, और इसकी वजह से आप अच्छी खासी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। पता नहीं आप कितनी ट्रैफिक गेन कर सकते, अगर आपका यहाँ पे फोटो वायरल हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अट्रैक्टिव फोटो लगाना शुरू करिए, जितना अच्छा हो सके उतना कस्टमाइज करके फोटो को बनाइए, जिससे कि ट्रैफिक वहाँ पे आए, क्लिक हो, ट्रैफिक आए, और इससे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक वाले बटन को जरूर दबाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।